महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप ना, ये हमारे होम टाउन दरभंगा का है, जहाँ मैं अभी अपने गांव आया हूँ दरभंगा। तो ये तो बात हो छोटा, मैं जो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कोई न्यूज़ नहीं है, पर देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बात मैं बता दूं, मैं किसी भी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ घटना घटी है मेरे साथ, वो मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूं। मैं ये दावत सेहत मिनी मोगरा चावल है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, ये अपने आप में एक ब्रांड है। हम सब जानते हैं, आप भी इसे खाते होंगे, मैं भी खाता हूँ, लेकिन जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, क्या कभी कोई चावल बिना गैस पर चढ़े हुए बन सकता है? नहीं ना। लेकिन ये चावल अगर आप आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें तो ये चावल तो नहीं बनता, लेकिन चावल से कुछ बड़ा साइज बन जाता है ये। और ये क्या बन जाता है आप देखो, खुद देख लो आप। और ये चावल मैंने खरीदी थी रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से। रिलायंस अपने आप में एक ब्रांड है, अंबानी कंपनी है, लेकिन वो इस तरह के चावल क्यों बेच रही है? ऐसा हो सकता है कि रिलायंस को कुछ पता ही ना हो, जो वो चावल दावत की चावल में बेच रही है वो गलत है, क्योंकि बिना गैस पे चढ़े कोई चावल कैसे पक सकती है? वो भी अजीब तरीके से फूल जाती है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटी हुई घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहीं शायद ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे साथ कि रिलायंस और दावत दोनों मिलके हम जो आम जनता हैं, ग्राहक हैं उसके चावल के, उसके मॉल के, हम लोगों को सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर रही है? एक बार ट्राई करना, आप घर पे अगर आप खाते हो दावत सेहत मिनी मोगरा, तो ये आधे घंटे के अंदर रख दो नॉर्मल पानी में, ये अजीब सा फूल जाता है। क्योंकि कोई भी चावल बिना गैस पे गए कैसे पक सकता है यार, ये जादू है। लेकिन ये चावल रिलायंस बेचती है, दावत की कंपनी चावल की कंपनी है, दोनों मिलके हम कस्टमरों के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है? हमारे सेहत के साथ, हमारे हेल्थ के साथ, हमारे पाचन शक्ति के साथ। क्योंकि ये ऐसी चावल है, अगर पानी में भिगो दें आधे घंटे बाद, जिस शख्स को दांत भी ना हो वो भी इसे चबा के खा सकता है। वाह, क्वालिटी तो है, लेकिन ये क्वालिटी हमारे सेहत के लिए कितनी खतरनाक है ये तो जाना ज़रूरी है।
तो भैया अब ये कहना है लास्ट में कि जागो ग्राहक जागो, देख परख के सामान लो, और बाकी अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। और यार भाई सब्सक्राइब कर लो यार, घंटी बजा दो, हैं।